मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने ठोकी ताल। आम आदमी पार्टी को 10 साल के बाद तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। 10 साल के लगातार संघर्ष के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। उसके अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने भाईचारा का पैगाम दिया, कौमी एकता का पैगाम दिया। उसके साथ साथ जो नौ निहाल हमारे बच्चे हैं, जो आज आम आदमी पार्टी मेरठ के तमाम पदाधिकारियों के साथ में हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आज बन चुकी, और ये राष्ट्रीय पार्टी तमाम जितने हमारे लीडरशिप है उन लोगों ने दिन रात सकारात्मक रूप से मेहनत की। पूरे देश के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा हम लोग लेके गए और इस देश के लोगों ने उसको सराहने का काम किया। राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ उस गुजरात से हुआ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान साहब और पूरी लीडरशिप गई। उस गुजरात के अंदर 41 लाख से ज़्यादा हम लोगों को वोट मिला, 5 से ज़्यादा हमारे विधायक जीते, 35 से ज़्यादा सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आए, और ये परिणाम है कि इस देश में लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती जा रही है। अब मूल विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ नगर निकाय का चुनाव है, और ये नगर निकाय का चुनाव जो है ये सफाई से संबंधित है। आप देखिए, इस देश की जिम्मेदारी बागडोर इस, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। उसने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को दी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को दी, अब ये सफाई की जिम्मेदारी है, और सफाई झाड़ू से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग जनता से भी हम लोग अपील करने जा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं। हम लोगों ने गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चलाई, और जब ये यात्रा हम लोग घर घर लेके जा रहे थे, तो मैं इस मेरठ की पर्टिकुलर बात करता हूँ, तो जहाँ इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है मेरठ कैंट, उसके वार्ड 9 में आप हालत ये है कि 9 से 10 फुट में सड़कें गड्ढे में हैं, मकानों में अंदर एंट्री करने के लिए जाने के लिए लोगों को पैड़ियाँ बनानी पड़ती है। अगर आप वार्ड 75 में जाओगे तो नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। वार्ड 88 में आप जाओगे तो एक तरफ सड़कें हैं, तो अगर वो टूटी हुई सड़कें हैं, गड्ढे में प्लॉट और तमाम चीज़ें हैं, तो ये कुव्यवस्थाओं का प्रबंधन यहाँ पे है, पानी चोक हो जाता है।